फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में जेड क्या है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो अपना आंसर पहले लॉक कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आपने लॉक कर लिया, आप जरा सोचो, आपको ये सब्सट्रेट दे रखा है, ठीक है, इसमें तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए CH3 भी लग रहा है, ब्रोमीन भी लग रहा है और NH2 भी लग रहा है। आप इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हो तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। सो फाइनली डायजोनियम सॉल्ट आपको X में बनाना है, ठीक है, यानी कि NH2 की जगह क्या लगाना है, बेसिकली N2 NCl, N2 प्लस NCl माइनस, ये पता होना चाहिए आपको। तो फाइनली इस पूरे ग्रुप में सिर्फ यहां पर चेंज आएगा। देखिए रियल रिएक्शन में आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, आपका X बन गया। अब H3PO2 और H2 का तो काम ही होता है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन और ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है उसमें से इस ग्रुप को हटा देना, रिमूव करना, तो फाइनली वही प्रोडक्ट वापस बन जाएगा। और उसके बाद केमिनोफोर से अगर आप इसकी देखिए, वही प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप हट जाएगा कंप्लीटली, तो फाइनली आपके पास जो वाई प्रोडक्ट बना है वो ये है। देखिए जरा ध्यान से, वो ग्रुप हट गया, यानी कि आपके पास ये देखिए ओर्थो पॉइंट पर ब्रोमीन है, टोल्यूएन बन गया, यहाँ पर ये ग्रुप बना है वाई, और आप इसका केमिनोफोर से रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली बेसिक मीडियम में तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अगर आपने बी लगाया है तो इसका मतलब आंसर सही है आपका। इसकी रिएक्शन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं, तो अगर आपने सही किया है तो बी ऑनेस्ट, अगर आपने सही किया तो +4, अगर आपने गलत किया तो -1, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, और हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखा करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है जरा देखो, सेकेंड क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन, अगर आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो द रिएजेंट यूज्ड इज, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो ईमानदारी से। कर लिया आपने तो चलो मेरा आंसर सुन लो। इसका आंसर ये है NaNO2, और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, HClCuCl। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले तो एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डायजोनियम सॉल्ट पर, N2 प्लस और Cl माइनस, ये ग्रुप लग जाएगा, इजंट इट, ये तो आप जानते ही हो। तो फाइनली इस ग्रुप का जब भी आप HCl और CuCl2 से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। बड़ा कॉमन रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं गाइस, सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होगी। सो फाइनली दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। चलो मैं इनके आंसर्स की दर्शन करवा देता हूं, पर आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना है हमारा बी और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बना है ए, और अगर आप दोनों में सही हो तो +8, जोड़ते जाइए अपने मार्क। तो देखिए अब इसके आंसर्स, ये रहे इसके आंसर जो मैंने आपसे कहे, जरा ध्यान से इसको देखो। फर्स्ट यहां पर ये तीनों ग्रुप थे, उसके बाद ये जो NH2 वाला ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो गया, डायजो सोल्ट में कन्वर्ट हो गया, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद H3PO2 और HCl H2O का काम क्या होता है, इस ग्रुप को यहां से हटा देना, यहां से एक ग्रुप हट गया, उसके बाद यहां पर सीधे ऑक्सीडेशन हो गया और आपके पास क्या बन गया, यहां पर जरा ध्यान से देखो, 2-ब्रोमो-बेंजोइक एसिड यहां पर तैयार हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कहा था ए है, क्योंकि यहां से एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद CuCl और HCl से क्या बन जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर अगर आपके सही है तो +8। क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, पर उससे पहले अपने मार्क्स जोड़ते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड एंड फोर्थ, इनके आंसर एक साथ देखने हैं। पहले आंसर पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और अपना आंसर लॉक करो। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एजो कपलिंग नहीं करेगा विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि कपलिंग नहीं करने वाला, आप जरा सोचो, अपना आंसर लो करो वीडियो पॉज करके। आपने कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डायजोनियम सोल्ट होता है बेसिकली वो होता है ये, दिस इज N2 प्लस NCl माइनस, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है गाइस, दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर ऐसा कंपाउंड क्या करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ही नहीं है। कपलिंग में देखिए नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है बजाय बढ़ाने के। सो ये कंपाउंड ऐसा है जिसकी कपलिंग इसके साथ पॉसिबल नहीं है, बाकी सबकी है। एनिलीन के साथ कराते हो डाई बनाते हो, फिनोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, एनिसोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, सिर्फ ये डी है जिसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कपलिंग का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, आपको एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है विद क्लोरोफॉर्म, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज, अपना आंसर लॉक करो। 2014 का सवाल है, अपना आंसर लॉक कर लिया आपने तो चलो अब मेरा आंसर सुन लो। मेरा आंसर क्या है, लॉक करो अपना आंसर, सही है तो +4 दे देना। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए,
इसका आंसर होगा ए, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी से लेके सारी बुक्स में फेमस के तौर पे लिखी जाती है और अच्छे से याद करवाई जाती है। ठीक है, सो आपको यहाँ लेना क्या था, आपको लेना था एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, और प्राइमरी दिखाता है, उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म लेना था CHCl3, और प्लस में क्या लेना था, प्लस साथ में आपको लेना था क्या, पोटेशियम क्लोराइड, तो KOH, इजंट इट। इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, RNC बनेगा गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर RNC बनेगा और ये आपका प्रोडक्ट होना था। एक्चुअल में इसका आंसर है ए। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। तो चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूँ, आप अपने मार्क्स जोड़ते जाना साथ साथ में। ये देखिए ये इनके आंसर हैं, अपनी नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लो। थर्ड का क्वेश्चन आंसर था डी, क्यों, डायजोनियम जो कैटायन होता है वो वीक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो आपको ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, जैसे कि OH, यानी कि ये फिनोल में होता है, एनिलीन में होता है, एनिसोल में होता है, लेकिन NO2 ग्रुप वाला नहीं चलेगा, तो ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो फेमस रिएक्शन है, जरा ध्यान से इसको देखो, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनने वाला है, बहुत फेमस रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म से केवल से रिएक्शन कराते हो, RNC बनेगा। सो ये आपके थर्ड और फोर्थ के आंसर हो गए गाइज। पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन 2014 का सवाल है, और आपसे ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछा गया है आपसे, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशंस पूछा है, ये है एरीन्स, एरीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट PKB वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो, ABCD कौन सा आंसर हो सकता है इसका, PKB वैल्यू लोएस्ट पूछ रहा है। यहां पर ज्यादातर बच्चों कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं, आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, मेरा आंसर सुनो, PKB यानी कि आपको KB की वैल्यू हाईएस्ट ढूंढनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि PKB इज एंटी प्रोपोर्शनल टू KB, क्योंकि ये होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB। गाइस याद रखना पड़ेगा आपको, KB की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, PK की वैल्यू उतनी ही लो होती है। फाइनली लोएस्ट पूछा है, इसका मतलब KB की वैल्यू आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है, मतलब हाईएस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये पूछ रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो जरा चेक करो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, आपने क्या किया, हाइड्रोजन दोनों यहां पर, दो हाइड्रोजन हटा के अमोनिया से दो मिथाइल ग्रुप लगाए, यहां पर तीन लगाए, यहां पर एक ही लगाया, और ये एनिलीन। वैसे भी एरोमेटिक जो ये एनिलीन होती है वो तो बिल्कुल वीक बेस है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता। अब इसका आंसर बनेगा या तो बी या सी या डी। तो इसका आंसर एक्चुअल में है बी, एक्वस सॉल्यूशन में ये जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके एक बार चेक कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर है बी। सो इसके सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना होता है, मिथाइल ग्रुप के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री का नंबर आता है, उसके बाद एनिलीन का नंबर आता है। सो ये फाइनली आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया, इसका आंसर क्या है, बी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों के आंसर अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, इथाइल इथाइल अमाइन दिखाई दे रहा है, उसका आप क्लोरोफॉर्म देखिए, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो, के अच्छा पूछ रहा है कि ए और बी क्या बनेगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, क्या बनेगा, RNC, आर ये रहा NC, तो फाइनली RNC मतलब ये बन रहा है, देखिए CH2H5NC और KCl बनेगा, तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना था। एक्चुअली इसका आंसर क्या है, ए। तो दोनों क्वेश्चन मिल गए आपको, ये है बी, ये है ए, और ये फेमस रिएक्शन है। चलो इसके आंसर के दर्शन करा देता हूं, अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा कवर किया है। देखिए दोनों क्वेश्चन, नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग कार्विलमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, और आपके सामने बैलेंस करके लिखा था, आपको मोल भी बताने थे साथ में। ये देखिए आपने RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन ही रिएक्शन करती है, ये भी बहुत फेमस थिंग है, और जब आप इसको क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो RNC आइसोसाइनेट बनता है और 3 मोल KCl के बाहर निकलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो KB है वो PKB के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर ऑर्डर बनता है 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोनों के दोनों। नाउ सेवेंथ और एट क्वेश्चन दोनों 2005 के क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 7, अमंगस द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक कंपाउंड, आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है, तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड बताना आपको। देखिए आपको यहां पर ऑप्शन दे रखा है, बेंजाइलमाइन, एनिलीन, एनिलीन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रेजोनेंस की वजह से वीक होता है ये, और नेक्स्ट दे रखा है एसेट एसेट एनिलिनाइड, और लास्ट में दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग में से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचे दो, एक तो ये ए और या फिर हो सकता है सी। अपना आंसर लॉक कर लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया,
पोज करो, लुक करो अपना आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको आंसर बताऊं, तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है ए। ए ऐसा क्यों? बेंजाइल अमाइन क्या होता है? देखिए बेंजाइल अमाइन में अमाइन सीधे रिंग से अटैच नहीं है, एक्चुअल में ये बेंजाइल ग्रुप है और उसके बाद यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन जो एसेटल एसेट ये लिखा हुआ एसेट एनिलाइड है वो क्या है? उसमें बिल्कुल बराबर यहीं पे लगा हुआ है आपके पास नाइट्रोजन NHCO, ठीक है, COCH3, इसको बोलते हैं हम लोग एसेट एनिलाइड। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वहां पर भी रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल ही नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ए है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहां डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा सवाल है, देखो आपको आता है कि नहीं आता। 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नीदर मेंट फॉर सिंथेसिस और सेपरेशन ऑफ एमाइन। इनका 2005 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहां पर एमाइन की ना तो सेपरेशन होती है ना सिंथेसिस होता है। आंसर दीजिए 8th क्वेश्चन का। चलो लॉक कर लिया आपने आंसर, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। वर्ड्स रिएक्शन, इसका वर्ड्स रिएक्शन का एनिलीन से या एमाइन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये एक्चुअली रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बड़ा सिंपल था। हिंसबर्ग होता है, हॉफमैन होता है, कर्टियस रिएक्शन भी होती है, तीनों जो है सिंथेसिस और फॉर्मेशन में काम आता है। सो फाइनली इन दो क्वेश्चन के आंसर बने, एक का तो बना ए और 8th क्वेश्चन का आंसर बना सी। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं, क्या आप तैयार हो? चलो ये रहे आंसर, मैंने आपसे कहा था, नीचे देख लो ये बना हुआ एनिलीन, देखिए। और आपको यहाँ पर लिखा है, सपोज मेरे से मान लो कि एनिलीन फर्स्ट है और ये बेंजिल अमाइन जो है वो सेकंड है, उसके बाद नाइट्रो वाला जो है वो थर्ड है और एसिट एलेमाइड जो है वो फोर्थ है। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किसका बनेगा? सेकंड वाले का, बेंजाइल अमाइन। ऑर्डर को ध्यान से देखो, और एक्चुअली इसका आंसर ए ही है जो मैंने आपसे कहा था। और नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके रीजंस भी लिखे हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, फिर एनिलीन। यहाँ पर ऑर्डर दिया, अगर आप चार क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और हो गया इसके साथ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड का आंसर सबसे पीछे आएगा क्योंकि थर्ड में नाइट्रो लगा हुआ ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है। और 8th क्वेश्चन का आंसर है सी, बहुत सिंपल था। वर्ड्स रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है, उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कहता है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ए की एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो, ऑन हीटिंग टू फॉर्म बी, विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH, ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूल C6H7N, एक ऐसा बना था, ठीक है। द कंपाउंड ए इज, आपसे पूछ रहा है वो कंपाउंड ए क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इसका आंसर? गैस करो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ। इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, जितने भी देख रहे हैं इससे चैलेंज। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कम ऑन गाइस, इतनी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका आंसर दो, ब्रेक ले रहे हो, इसका आंसर दो, कम ऑन कम ऑन। तो चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये ब्रोमीन प्लस KOH, इससे आपको क्या याद आता है, ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में इसको यूज करते हैं, मतलब एक कार्बन कम वाला कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, CO गायब हो जाएगा। अब आप सोचो यहां से क्या बनेगा, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है बी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया से अगर आपने एक्सिस में रिएक्शन करवाई तो यहां पर बना बेंजीन के साथ एमाइड CONH2 जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन प्लस KOH से रिएक्शन कराया, सो ब्रोमीन प्लस KOH यानी कि होफमैन ब्रोमोमाइड, तो यहाँ से CO ग्रुप गायब हो जाएगा, एक कार्बन कम का कंपाउंड मिलेगा। यानी कि आप जरा चेक करो आपके, आपको क्या मिला, ये मिल गया यहाँ पर एनिलीन। तो ये इसका रिएक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H7H7N। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अगर आपने इसका आंसर बी लगाया तो आपको 4 मार्क, और मेरी तरफ से 4 मार्क गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर लिया। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर दो, दोनों के आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अमंग द फॉलोइंग एमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड लॉरी बेस, फिर से बेसिक, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन इतने क्यों लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं आपसे, पूछा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, क्या आप आंसर कर सकते हो? लोग करो आंसर अपना। अब मैं आंसर देता हूं आपको, चलो मेरा आंसर सुनो, इट्स बी, इट्स डी, डी, डी यहां पर दिख रहा है, डी।
सो फाइनली इसका आंसर होगा डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकी तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है, बहुत सिंपल था, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है और ये हकल रूल को फॉलो कर, ये सब एरोमेटिक हैं, सारे के सारे यहाँ पर रेजोनेंस शो करेंगे, लेकिन एक डी ऐसा जहां पर एरोमेटिसिटी है ही नहीं, सो फाइनली यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा और इसके इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है। सो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं नीचे बता रहा हूँ, जरा ध्यान से इसको देखो, मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बताया, नाइन्थ का सी और टेंथ का डी। तो देखो नाइन्थ का बी कैसे लिखा है, हाँ बी बताया मैंने आपको, सॉरी मैंने देखने से भूल कर दी, नाइन्थ का मैंने आपको क्या बताया, बी दिख रहा है आप लोगों को, और टेंथ का मैंने डी बताया। तो देखिए दोनों आंसर नीचे मेंशन भी हैं, इसके रीजन आप चेक कर लो। सो फाइनली दोनों आंसर के रीजन रहे ये। सो फाइनली जरा चेक कर लो, ए ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि ए कंपाउंड क्या होगा, सो ए कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड, और इसका आंसर था डी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाकी डी के अलावा जितने भी है सब में डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होगा, जो हकल रूल को फॉलो करती है, ये रीजन लिखा है। सो ये मेरी तरफ से गाइस एन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको छोटे से चार काम करके जाने हैं गाइस, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सो आपको छोटे छोटे चार काम करने हैं, आपको इन वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख के जाना है। ये ऐसे 10 अल्टीमेट क्वेश्चन हम डेली लेकर आ रहे हैं, सो इट्स डू और डाई थिंग नाउ, कम ऑन वर्क हार्ड विद मी, और आपको याद रखना है अपने सही मार्क कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, ताकि आपको सजेशन दे सकूं गाइस, मैं आपको बात करूंगा आपसे, अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो जरूर मैसेज करूंगा आपको, कम ऑन गाइस, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो मिलते हैं गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।